गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे उसके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। दो नंबर हैं जो 5:6 के फॉर्म में हैं। सपोज कर लेते हैं पहला नंबर 5x है और दूसरा नंबर 6x है। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच then their ratio becomes 4:5, find the numbers। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। देखिए यहां पे आपने सपोज कर लिया है फर्स्ट नंबर 5x है और 6x है दूसरा नंबर। अब 7 अगर हम दोनों से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नया रेशियो 4:5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25x - 35 = 24x - 7 = 28। 25x में 24x माइनस हो जाएगा, x बचेगा, 35 उधर जाएगा, प्लस का माइनस का 28, 7। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई है 7। यहां पर आप वैल्यू रख देंगे तो फर्स्ट नंबर मिलेगा 5, 7 = 35 और सेकंड नंबर मिलेगा 7 × 6 × 7 = 42। तो इस तरह से आपने दोनों नंबर पता कर लिए हैं, 35 और 42। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहें आप, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। और काफी क्वेश्चन आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको इन प्रैक्टिस सेट से ही मिलेंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें और उन बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाएं जिन्हें इनकी जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज फिल्ड अप टू हाइट 3.15 मीटर बाय एन अदर सिलेंड्रिकल पाइप विद द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर इन 1/2 आवर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। बच्चों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक टैंक है जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है। उस टैंक की 3.15 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है जो एक सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू आ रहा है। किस स्पीड से पानी आ रहा है? 2.52 किलोमीटर पर आर, और ये आधे घंटे में भरा है। आपको डायमीटर निकालना उस पाइप का। तो यहां देख सकते हैं एक पाइप है जहां पर 2.52 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पानी आ रहा है और ये टैंक है जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है और हाइट 3.15 मीटर है। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के, मतलब जो आधे घंटे में पाइप से पानी गया है उस पानी का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा टैंक में भरे हुए पानी के वॉल्यूम के। तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल शेप में है, पाई आर स्क्वायर एच ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हाइट। देखिए 2.52 किलोमीटर पर आर, तो ये डिस्टेंस हो गई, इसकी लेंथ हो गई जो हाइट का काम यहां पर करेगी 2.52, और इसको हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और कितनी देर में बोला? आधे घंटे में, तो 1/2 इज इक्वल आर स्क्वायर 40/100, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 40/100 और एच की जगह 3.15। बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल, ये सारी वैल्यू नीचे जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल 4, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा रेडियस का डबल यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक फिगर ये दिया गया है, आप देख सकते हैं यहां पर एक बॉक्स है जो क्यूब शेप में है, हर एक साइड इसकी 6 है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है जिसकी डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है,
तो बच्चों एक चीज पहले समझ लें, यहां पर टोटल सरफेस एरिया, यहां पर जो पोर्शन आपको दिख रहा है वही टोटल सरफेस एरिया है। तो आपको सबसे पहले ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 6a² क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a² और ये हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो प्लस करेंगे आप इस हेमिस्फीयर को प्लस करेंगे तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा 2πr². अब बच्चों क्यूब पे ये हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, ठीक है, जिसके जो बीच का पोर्शन है, दोनों के बीच का कांटेक्ट वाला पोर्शन वो दिख तो नहीं रहा है, सर्कल वाला हिस्सा, तो वो आपको यहां पर माइनस करना होगा -πr², ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, माइनस करेंगे जो सर्कल दोनों के बीच में है, 6a² प्लस 2πr² -πr², ये सॉल्व होकर आएगा πr². साइड 6 दी थी तो 6 × 6 × 6 प्लस 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस है 2.1 × 2.1, सॉल्व करने पर बच्चों ये आएगा 229.86 cm². अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, a क्यूब प्लस 2/3 πr³, 6 × 6 × 6 प्लस 2/3 πr² 2.1 2.1 2.1, सॉल्व करने पर आएगा 235.40 cm³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है अ बकेट ओपन एट टॉप इन फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन विथ कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ टॉप एंड बॉटम सर्कुलर एंड्स आर 20 and 12 cm रिस्पेक्टिवली, फाइंड हाइट ऑफ द बकेट एंड एरिया ऑफ मेटल शीट यूज इन मेकिंग द बकेट। आपको पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहां पर एक बकेट है, ठीक है, तो ये कोन का फ्रस्टम है, ऊपर बड़ी रेडियाई है जो कि 20 cm है और नीचे छोटी रेडियाई है 12 cm, बकेट नीचे बंद है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहां पर आपको कैपेसिटी दी गई है, ठीक है, तो V इज इक्वल πh/3 ब्रैकेट में r² + r² + rr, ये फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम आपको दिया गया है 12308.8 इज इक्वल पाई 3.14 × h/3, कैपिटल आर 20² + 12² + 20 × 12, 12308.8 × 3 × में आएगा 3.14 में आएगा इज इक्वल h 400 + 144 + 240, इसको ऐड करेंगे टोटल आएगा 784 जो कि यहां पर अपॉन में आएगा, तो h इज इक्वल बच्चों हो जाएगा 12308.8 × 3 / 3.14 × 784, सॉल्व करने पर h इज इक्वल आएगा 15 cm, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इस बाल्टी को बनाने में मेटल कितना इस्तेमाल हुआ है, तो आप देख सकते हैं मेटल कहां कहां इस्तेमाल हुआ है, एक तो इस तरह से इस्तेमाल हुआ होगा और नीचे इसका बेस बंद है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया शीट रिक्वायर्ड कितनी लगेगी, तो फ्रस्टम के सरफेस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई ब्रैकेट में r + r × l प्लस πr² क्योंकि नीचे वाला हिस्सा हमें बंद करना होगा, तो रेडियस हमने छोटी ली है। अब यहां पर l हमारे पास नहीं है तो l फाइंड करना होगा, तो फ्रस्टम के स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है l इज इक्वल विद इन रूट h² + R - r² इज इक्वल विद इन रूट 15² + 20 - 12² और विद इन रूट 225 + यहां पर 8 आएगा तो 64, ये 289 हो जाएगा, तो ये आएगा 17 cm। तो बच्चों यहां पर शीट रिक्वायर्ड क्या होगा, पाई r + r
इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर 20 है प्लस 12 है इंटू 17 प्लस पाई, स्मॉल रेडियस क्या है 12 स्क्वायर। सॉल्व करने पर यह आएगा 544 पाई प्लस 144 पाई, टोटल हो जाएगा 688 पाई, पाई की जगह रख दिया आपने 3.14, सॉल्व करने पर आएगा 2160.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है कई बार। चलिए इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया है ए बी सी, जहां पर एंगल बी आपका 90 डिग्री है, बी से सामने वाली साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है बी डी। ठीक है, हमने मान लिया एंगल ए थीटा है, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात करेंगे अगर, तो ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल ए बी डी इज इक्वल, तीनों का सम कितना होगा 180, तो एंगल ए बी डी आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी सी की, ये थीटा है, ये पूरा एंगल 90 था, ये वाला फाइंड करना है, तो एंगल सी इज इक्वल 180, तीनों का सम फिर से, तो यहां से एंगल सी आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल फाइंड करना है, एंगल सी बी डी, तीनों का सम कितना होगा 180, सी बी डी आ जाएगा आपका थीटा, ये एंगल भी आपका थीटा हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया हमने और दूसरा ट्रायंगल लिया ए डी बी, ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल एंगल ए, जो कि क्या है कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल बी 90 है, जबकि इस वाले एंगल में ये वाला 90 है डी। ठीक है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल ए सी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब अगले ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया बी डी सी। तो बच्चों देख सकते हो इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सी आपको कॉमन मिल रहा है, दोनों में है, साथ में इस वाले एंगल में बी 90 है और यहां पर ये 90 है। ठीक है, या ये एंगल भी ले सकते हो, थीटा थीटा है, तो एंगल ए बी सी और एंगल बी डी सी, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, इक्वल है दोनों थीटा थीटा, एंगल बी इज इक्वल डी के है, 90 डिग्री है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया बी डी सी का। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, तो यहां पर बी सी अपॉन, यहां पर हमने सी डी लिया, इज इक्वल ए सी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी सी इज इक्वल बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी इंटू सी डी। बच्चों दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर दिया, इसको और इसको, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप देख सकते हैं इज इक्वल ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों से ए सी कॉमन ले लिया, ए डी प्लस सी डी ब्रैकेट में बचा। अब ए डी प्लस सी डी की जगह आप लिख सकते हो ए सी, ये देखिए ए डी प्लस सी डी की जगह लिख सकते हो ए सी। ठीक है, ये आ जाएगा ए सी इंटू ए सी, ए सी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है और यही आपको प्रूव करनी थी। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहा गया
चेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस ड्रॉ द मोर देन टाइप ओजाइव फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको टेबल दी गई है और आपको यहां पर मोर देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर बच्चों आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था क्लास इंटरवल 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड अप टू 80 to 90। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 8, 12, 24, 6, 25, 15। इसका जो सम आएगा टोटल वो 100 होगा। अब यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जब भी बात मोर देन ओजाइव की होगी तो नीचे से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। 15 ऐसे ही लिखेंगे, 15 में 25 को ऐड किया 40, 40 में 6 ऐड करेंगे 46, 46 में 24 ऐड करेंगे 70, 70 में 12 ऐड करेंगे 82, 82 में 8 ऐड करेंगे 90, 90 में 10 ऐड करेंगे 100। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहां पर लेंगे तो 20 और 100, 30, 90, 40, 82, 50, 70, 60, 46, 70, 40, 80 और 50। अब ये जो है इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहां पे देख सकते हैं, यहां पर हमने क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, 10-10 के डिफरेंस लिए हुए हैं, और यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को लिया है 20-20 के डिफरेंस लेके। सबसे पहले पॉइंट देखिए 20 और 100, तो 20 आपका यहां पर होगा, 100 बिल्कुल सीधे जाएंगे, 100 के सामने लेंगे, ठीक है। अगला है आपका 30 और 90। तो बच्चों 30 कहां पर है, ये 30 है और इसके सामने 90 पे ज्वाइन कराएंगे, 80 और 100 के बीच में होगा। इसके बाद है 40 और 82। तो बच्चों 40 यहां पर है, 82 कहां होगा, 80 से थोड़ा सा ऊपर। और नेक्स्ट है आपका 50 और 70। तो 50 यहां पर है, 70 कहां होगा, 60 के ऊपर और 80 के बीच में। इसके बाद है 60 और 46, ये आपका 60 है। 46 कहां पर होगा, ये आपका 40 से ऊपर होगा थोड़ा, ठीक है। अगला है आपका 70 और 40, 70 ये है, 40 आपका ये है, देख सकते हैं आप यहां पर। और इसके बाद लास्ट है 80 और 15, तो 80 आपका ये, 15 आपका ये है। इन सबको आप रफली ज्वाइन कर देंगे, यही आपका हो गया मोर देन टाइप ओजाइव। और अगर मीडियन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, n बाय 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 100 अपॉन 2 जो कि 50 आ रहा है। 50 कहां पर लाई करेगा, 50 आपका 40 और 60 के बीच में 50 हो गया। सीधे लाइन ले जाएंगे, जहां पर कट करेगा ग्राफ को वहीं नीचे जाएंगे, 60 से जो पहले वैल्यू मिल रही है ये आपकी मीडियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ टावर। रूट 3 की वैल्यू जबकि आपको दी है 1.732। तो बच्चों यहां पर आपसे कहा गया है एक टावर है सीडी, इस टावर की परछाई 60 डिग्री पर बीसी बन रही है, जबकि जब एंगल 30 डिग्री होता है तो ये परछाई 40 मीटर लंबी हो जाती है, मतलब ज्यादा लंबी बनती है 40 मीटर, ठीक है। तो यहां हाइट हमने h मान ली है, ये डिस्टेंस x मान ली है और 40 मीटर लॉन्गर बन रही है 30 डिग्री पर, तो ये 40 हो गया। यहां पर बच्चों सबसे पहले हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल डी बी और सी, 1060 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच अपॉन एक्स हो जाएगा, 1060 रूट 3 होता है इज इक्वल एच अपॉन एक्स। बच्चों यहां से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली,
तो x इज इक्वल होगा h अपॉन रूट थ्री इक्वेशन वन। नाउ इन ट्रायंगल DAC, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे DAC, यहां पर आप लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 40 प्लस x। 1030 की वैल्यू 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल एच अपॉन 40 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40 प्लस एक्स इज इक्वल रूट थ्री एच। अब बच्चों 40 प्लस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच अपॉन रूट थ्री, तो इस एक्स की जगह आप एच अपॉन रूट थ्री रख देंगे इज इक्वल रूट थ्री एच। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पर हमने पूरी इक्वेशन को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 40 रूट थ्री, यहां पर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा एच बचेगा इज इक्वल रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री एच, एच इधर माइनस हो जाएगा आकर तो टू एच बचेगा इज इक्वल 40 रूट थ्री, तो एच आ जाएगा 20 रूट थ्री। रूट थ्री की वैल्यू 1.732 दी गई है, वो रख देंगे बच्चों। एच इज इक्वल सॉल्व करने पर आएगा 34.64 मीटर और यही टावर की फाइनल हाइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, एपी से है, जिसमें कहा गया है एम टाइम्स एम एथ टर्म इक्वल है एन टाइम्स एन एथ टर्म, देन शो दैट एम प्लस एन एथ टर्म ऑफ एपी इज जीरो। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया है एम टाइम्स एम एथ टर्म यानी एम इंटू ए एम इज इक्वल है एन टाइम एन एथ टर्म, तो एम वैसे ही लिखेंगे एम एथ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल एन, एन एथ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस एम को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी इज इक्वल ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। बच्चों यहां पर हमने a वाले टर्म एक तरफ कर लिए, तो ए एम माइनस ए एन इज इक्वल इन दोनों से d कॉमन ले लिया, यहां पर एन स्क्वायर माइनस एन होगा और ये उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का एम स्क्वायर प्लस का m, a कॉमन ले लिया ब्रैकेट में बचेगा m माइनस एन इज इक्वल d, इसको और इसको आप लिख सकते हो m माइनस एन, इन दोनों में हमने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसीलिए हमने कॉमन लिया कि एम एन इधर भी बन जाए इसकी तरह। ए एम माइनस एन इज इक्वल डी एम माइनस एन माइनस, यहां पर आइडेंटिटी यूज की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए एम माइनस एन इज इक्वल इन दोनों से एम माइनस एन कॉमन ले लिया, डी पहले से बाहर था यहां बचा वन माइनस प्लस एन, एम माइनस एन से एम माइनस वन एन कैंसिल हो जाएगा ए इज इक्वल आ जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया माइनस एम प्लस एन ब्रैकेट में और माइनस वन इंटू डी, दोनों साइन बदल जाएंगे माइनस कॉमन लेने पर। अब ये पूरी वैल्यू इधर लेकर आएंगे तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल जीरो। आप ध्यान दें तो ये ए एम प्लस एन एथ टर्म ही लिखा है ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए आपने आसानी से ए एम प्लस एन एथ टर्म को प्रूव कर दिया है जीरो के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को बार बार आप देखें, बार बार देखेंगे तो क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे और इनको नोटबुक पर करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और वापस जाकर पीछे इन वीडियोस को देखते रहें ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, और यदि कोई समस्या आ रही है तो हमें आप पूछ सकते हैं हमसे मैसेज करके, और सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें जरूर प्रैक्टिस के तौर पे करते रहें, बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, थोड़ा आपको समय देना होगा, ठीक है, तभी चीज़ें आपको आसान भी लगेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 में आपसे कहा गया है अ शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स इन रुपीज 80, इफ ही बाय फोर मोर बुक्स देन नाउ न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक इज रिड्यूस्ड बाय वन।
फाइंड नंबर ऑफ बुक्स, हमने मान लिया नंबर ऑफ बुक्स एक्स है। बच्चों ध्यान दो, 80 रुपए की आपने मान लो एक्स बुक ली है, तो एक बुक कितने की पड़ेगी, 80 अपॉन एक्स, ठीक है ना। अगर 80 रुपए में आपने एक्स बुक ली है तो एक बुक की कीमत होगी 80 अपॉन एक्स। तो यहां पर हमने सपोज कर लिया है नंबर ऑफ बुक्स भी एक्स, तो बेटा एक बुक की कॉस्ट आपको पड़ेगी 80 अपॉन एक्स। न्यू कॉस्ट क्या है, 80 अपॉन, चार बुक ज्यादा मिल जाती हैं x प्लस 4। एक सिचुएशन ये है एक बुक की कीमत, एक सिचुएशन ये है। अब दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो एक रुपए का आ रहा है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, देख सकते हैं आप, न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक इज रिड्यूस्ड बाई 1, एक रुपए कम हो जाती है। तो ओल्ड कॉस्ट माइनस न्यू कॉस्ट इज इक्वल 1। बच्चों यहां पर हमने 80 कॉमन ले लिया है, x x प्लस 4 एलसीएम लिया है, x प्लस 4 यहां पर आएगा, माइनस x यहां पर आएगा, x x कैंसिल होगा, 8 4 जा 32, तो 320 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x यहां पर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल 0 फाइनल इक्वेशन मिलेगी। 320 के फैक्टर होंगे 20 और 60, पहले पेयर से x कॉमन ले लिया x प्लस 20, यहां से माइनस 16 कॉमन लिया x प्लस 20 इज इक्वल 0, x प्लस 20 दोनों से कॉमन है, बचा x माइनस 16 इज इक्वल 0। इफ x प्लस 20 इज इक्वल 0 तो x की वैल्यू माइनस 20 मिलेगी, इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स माइनस में, तो x इज इक्वल माइनस 20 इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स माइनस में नहीं होगी। सेकेंड केस, इफ x माइनस 16 इज इक्वल 0 तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी और यही नंबर ऑफ बुक्स है, यानी कि 16 बुक परचेज की गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पे आपसे क्या करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर के एक सर्कल बनाएंगे ओ ए, ये 4 सेंटीमीटर है, इस रेडियस को लेकर हमने एक सर्कल फॉर्म किया, इस तरह से आप देख सकते हैं ये सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से 6 की दूरी पर एक पॉइंट पी आपको लेना है, ओ से 6 की दूरी पर एक पॉइंट पी लिया आपने, हमने क्या किया ओ पी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, कैसे करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर यहां से आर्क लगाएंगे, आप देख सकते हैं आर्क लगेगा ऊपर भी और नीचे भी, फिर यहां से आर्क लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, जहां पे दोनों आर्क कट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे वहां से ज्वाइन करते हुए, और इस तरह से आपको ओ पी का मिड पॉइंट मिल जाएगा एम। अब यहां पर नोक रखेंगे, बच्चों यहां पर मिड पॉइंट आपको मिल गया है, यहां पर कंपास की नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक यहां रखकर इसको रेडियस लेते हुए एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आपको एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। अब जहां सर्कल ये कट कर रहे हैं एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट आपका सी है, पी से बी को ज्वाइन कराते हुए जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी पहली टेंजेंट होगी पॉइंट पी से गिवन सर्कल पे, दूसरी टेंजेंट होगी आपकी पी सी, ठीक है, पॉइंट पी से गिवन सर्कल पे। यही स्टेप भी आपको लिखने हैं, वन बाई वन स्टेप आपको सारे लिखने हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप कहलाते हैं। तो जितना भी आपने काम किया है इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, यही आपके होंगे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, ये आपको लिखने होंगे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यहां पर आपसे कहा गया प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले रखी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रखी, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दिया है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दिया है, 1 अपॉन 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा।
वन अपॉन वन प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के हर जगह हमने साइन कॉस में हर चीज को कन्वर्ट कर लिया, ये वैसे ही रहेगा। तो यहां पर बच्चों एलसीएम लेंगे, वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, अपॉन में बचेगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बच्चों यहां पर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, अपॉन में बचेगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं सेम एलसीएम है, तो यहां पर हमने इन दोनों में वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इन दोनों में एलसीएम ले लिया वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर होगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों सेम वैल्यू कैंसिल होके वन आएगा, प्लस यहां पे भी सेम वैल्यू कैंसिल होके वन आएगा, ये आ जाएगा वन प्लस वन टू, यही राइट हैंड साइड आपको लेकर आना था और इस तरह से आपने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। तो बच्चों ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, आप लोग बहुत ध्यान से सारे वीडियोस जितने भी हैं उनको देखें क्योंकि सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं और ये बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन कभी कभी ना कभी पूछे गए हैं और इस बार भी इन क्वेश्चंस के आने की पूरे पूरे चांस हैं। इनको खूब प्रैक्टिस करें, करते रहें, नोटबुक पर बार बार लगाएं, वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।